सो गाइस मेरे साथ ICAR टेक्नीशियन के सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उनके कैंडिडेट आ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि एग्ज़ाम रिव्यू में कैसा था एग्ज़ाम का लेवल और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप बताएं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। मैथ का लेवल अच्छा खासा ऊपर था, बहुत ज़्यादा ऊपर था, और बाकी जीके जीएस ठीक ठाक था, और साइंस का लेवल थोड़ा सा अप किया था, बाकी सब ठीक ठाक था। तो जो करंट अफेयर है वो कितने मंथ का पूछा जा रहा है? करंट अफेयर 6 मंथ का इधर हार्डली, हाँ 6 मंथ बहुत है। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? हम 82। हाँ, और भी साइंस का कोई ऐसा टॉपिक जिसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? साइंस आपको जो मैथ टाइप से जो होता है वो 5-6 क्वेश्चन डाल रहा है, न्यूमेरिकल ज़्यादा रहा है। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन डाल रहा है, बाकी थोड़ा लेंदी पूछ रहा है वो भी साइंस, और बाकी जीके जीएस ठीक पूछ रहा है, और वो करेंट कम से कम 10 मिलेगा वो भी ठीक ठाक पूछ रहा है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिर्फ मैथ का लेवल है बहुत ज़्यादा लेवल है, बाकी ठीक था। मतलब ओवरऑल मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं? मॉडरेट टू हार्ड एकदम, हाँ बहुत। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। जुड़ चुके हैं तो इनसे जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल मॉडरेट था, इसमें मैथ थोड़ा टफ था और साइंस का भी पोर्शन न्यूमेरिकल बेस्ड, और मतलब टाइम टेकन था इसमें हम थोड़ा जैसे। जो करंट अफेयर का जो पार्ट है वो कितने मंथ का पूछा जा रहा है, 6 मंथ का या 1 साल का? करंट अफेयर्स का तो आप पिछले मतलब 6 मंथ का। 6 मंथ का। और मैथ में कौन कौन सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा? सबसे ज़्यादा टॉपिक है एवरेज हो गया, नंबर सिस्टम, और जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस से भी था क्वेश्चन। अच्छा, तो सभी मतलब टाइम टेकन क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? हम तो 79 अटेम्प्ट किए, और उसमें भी जैसे ऑप्शन था मतलब कि 90 अटेम्प्ट करने का, लेकिन टाइम की वजह से नहीं कर पाए। ओके, चलिए धन्यवाद। थैंक यू। साथ एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं तो इनसे जानते हैं कैसा था एग्ज़ाम का लेवल। तो सबसे पहले ये बताइए कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था? एग्ज़ाम का लेवल सर बेसिक लेवल तो नहीं, थोड़ा हार्ड कह सकते हैं इसको। हाँ, ना इजी ना हार्ड, बेसिक लेवल पे है। अच्छा, जो मैथ का क्वेश्चन आ रहा है सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत लेंदी आ रहा है। कैलकुलेटिव मैथ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, मतलब ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव मैथ है। तो जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसमें करंट अफेयर कितने मंथ का लगभग पूछा गया अभी तक? करंट अफेयर रिसेंटली का ही है, लगभग 6 से 8 महीने का ही था। हाँ, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने सर 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 75। हाँ, साइंस में कोई ऐसा टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया? साइंस में सर साइंस का क्वेश्चन भी सर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, न्यूमेरिकल वगैरह था, कैलकुलेटिव। बाकी मतलब सोशल साइंस का क्वेश्चन ईजी था, जीके का क्वेश्चन ईजी था, जो भी अगर मैथ जिसका मैथ और साइंस अच्छा गया होगा वो निकाल लेगा सर। हाँ चले ठीक है, थैंक यू। चुके हैं तो जानते हैं इनसे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले ये बताइए कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था? एग्ज़ाम का लेवल वही 9-10 तक का लेवल था, साइंस सोशल साइंस का। मतलब लेवल हार्ड था या इजी था? नहीं, लेवल तो ठीक ही था, एवरेज था, मॉडरेट लेवल का था। हाँ, ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते। अच्छा, करंट अफेयर कितना मंथ का पूछे जा रहे हैं कुछ बता सकते हैं? करंट अफेयर्स लास्ट मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी तक 2021 का। अच्छा, और जनवरी 2022 मतलब लास्ट दिसंबर तक का पूछा था, नवंबर का। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? मैंने 100 में से लगभग 60-70 तो अटेम्प्ट किए। 60-70। मैथ का कोई टॉपिक याद है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो? मैथ से प्रॉफिट लॉसेस का क्वेश्चन था, फिर प्रॉफिट लॉस का ज़्यादा था, फिर वो टाइम डेज वर्क वाला क्वेश्चन था, ए बी इतना मैं करता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन थे। चले ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। क्या और क्या लेवल था एग्ज़ाम का, तो आप बताएं एग्ज़ाम का लेवल कैसा था? एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई लेवल था, हाई लेवल था। तो जो क्वेश्चन वो आपने कितने अटेम्प्ट किया अभी तक? मैंने तो 85+ अटेम्प्ट किया। 85। और करंट अफेयर का जो सेक्शन था वो कितने मंथ का आ रहा है, 6 मंथ का या 1 साल का आ रहा है लगभग? नहीं, 2 महीने का फर्क आ रहा है। 2 मंथ का मतलब आ रहा है। मैथ में कोई ऐसा टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो? परसेंटेज से। और सोशल साइंस वगैरह कोई टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? सोशल साइंस भूगोल से पूछा गया। भूगोल से पूछा गया। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लगभग? 85। चले ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।